You're watching Exposed India. पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने न्यायालयों में जघन्य अपराधों से संबंधित प्रचलित अभियोगों की प्रभावी पैरवी हेतु मॉनिटरिंग सेल के गठन के निर्देश दिए। इस मॉनिटरिंग सेल का काम जघन्य अपराध से संबंधित समस्त अभियोगों को सूचीबद्ध कर उनकी गुणात्मक विवेचना करना हो और मॉनिटरिंग सेल ऐसे अपराधी जिनकी आम ख्याति जनता में भी कुख्यात अपराधी के रूप में बनी हुई है, आर्म्स एक्ट धारा 307 के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग या अन्य ऐसे वारद जिसमें पुलिस मुख्य रूप से गवाहों की सूची तैयार करेगी। यह मॉनिटरिंग सेल अपराधों से संबंधित प्रचलित महत्वपूर्ण अभियोगों की पैरवी को प्रभावी एवं सुव्यवस्थित किए जाने के उद्देश्य से गठित की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं प्रत्येक सप्ताह इस सेल की समीक्षा की जाएगी। हमारे पास साक्ष्य भी है, उन सारे केसेस को सूचीबद्ध करके जो हमारे पैरोकार थाने के बुनियादी कड़ी के रूप में जो विभिन्न न्यायालयों में जाते हैं और शाम को लौटते हैं, शाम को लौट करके उस सारी सूची में जितने केसेस हैं उनमें कितने गवाह गए, क्या स्थिति बनी, वो उस सेल को लौटते हुए, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पर ही होगा, वो प्रत्येक उसमें वहाँ पर उसे नोट कराएगा और उन केसेस के बारे में अगली कार्य योजना के तहत अगली डेट कब है उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए। कुछ ऐसे मुकदमे हैं जहाँ नोटोरियस क्रिमिनल है जिसका हम लोग ट्रायल करा रहे हैं, जो जेल में है, परंतु उसका पुलिस से संबंधित गवाह भी कई बार नहीं आए हैं, जैसे दफा 25, दफा 27, आर्म्स एक्ट 307, आईपीसी के केसेस, उनमें भी टॉप प्रायोरिटी पर उनके जो पुलिस के गवाह हैं, जो स्वतंत्र साक्ष्य हैं, उनको वहां पर बुलाया जा सके। ये पूरा स्पेशल मॉनिटरिंग सेल बना करके इसका उद्देश्य ये है कि उस तरह के केसेस जो कि पब्लिक मेमोरी में बहुत कुख्यात तरीके से जिनकी पब्लिक मेमोरी में रहे ऐसे मुकदमे, उनके हमारा सब कुछ वर्कआउट हो गया, सब कुछ हो गया, उनके प्रोसिक्यूशन में जो विलंब होता है, जैसे कि जब मेमोरी में रहे हो उसी समय हम जल्दी से जल्दी उसका कन्विक्शन करा सके, इस उद्देश्य के लिए ये बनाया गया है, जिससे कि प्रॉपर पैरोकार, कोर्ट मोहरे और ये सेल, ये लोग लगातार इस पर एक लाइन पे रहें, इनके पास इतना एक सिस्टम बना रहे और सब हर हफ्ते डिस्ट्रिक्ट एसपी इसका मॉनिटरिंग कर ले कि ऐसे हमारे जिले के 20 केसेस हमने जो चिन्हित किए हैं, 40 केसेस किए हैं, जो भी उन्होंने सूचीबद्ध किया था, कोई समय इसमें कोई केसेस की अपर लिमिट नहीं फिक्स की गई है, ऐसे महत्वपूर्ण केसेस जो गंभीर किस्म के रहे हों, सनसनीखेज रहे हों, जहाँ पर विवेचना अच्छी हुई है, सारे साक्ष्य हमारे हिसाब से बहुत उमदा तरीके से संकलित हैं, उनमें हम युद्ध स्तर पर कन्विक्शन को करा ले जाएं, इसके बाबत एक व्यापक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग हर अगले महीने से इसका ये रिव्यू करके देखेंगे कि हमारे परिणाम क्या रहा इसमें।